गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग से सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। और ये चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। ये बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई तरीकों से पूछा गया है। कभी ये बोला गया है कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हो, या पूछा गया है प्रतिरक्षा क्या है, या पूछा गया है प्रतिरक्षा तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बच्चों प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा का मतलब है कि हमारी सुरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा प्रदान करना। ये एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो बच्चों मान लो ये कोई मानव शरीर है, जब इसमें कोई रोगाणु आता है या रोग कारक जो इस पे अटैक करता है, तो मानव शरीर में कुछ ऐसी सेल होती हैं जो इनको मानव शरीर पे अटैक करने से रोकती हैं। तो जो सेल रोग कारक जीवाणु को मानव शरीर पर अटैक करने से रोकती हैं, वो सेल क्या करती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं बच्चों। तो इसको हम देख लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है वही मैंने बताया है बच्चों। मानव शरीर के द्वारा किसी रोग विशेष के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध का मतलब होता है उसको रोकना। प्रतिरोध करने की शक्ति क्या कहलाती है बच्चों? प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। और जिस प्राणी में यह शक्ति होती है कि वह रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, तो वह आदमी क्या कहलाता है बच्चों? वो प्रतिरक्षित कहलाता है। बच्चों जिन भी मनुष्यों में रोगाणुओं का संक्रमण हो जाता है, तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र, या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में जो सेल काम करती हैं, वो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोक नहीं पाती हैं। इसलिए वो आदमी क्या हो जाता है? वो आदमी डिजीज कंडीशन में चला जाता है। तो बच्चों हमारा कहने का मतलब है कि प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है कि मानव शरीर में कुछ सेल पाई जाती हैं जो रोगाणु या रोग कारक जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं, और ये सेल क्या करती है? हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। जिन व्यक्तियों में बच्चों चेचक का संक्रमण हो जाता है, उसमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है बच्चों कि एक बार जब मनुष्य संक्रमित हो जाता है, तो उसके जो रुधिर होते हैं उसमें रोग, मान लो हमें चेचक हुआ, तो चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध मतलब उसे रोकने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। जबकि जो मनुष्य असंक्रमित होता है, उनके रुधिर में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है चेचक विषाणु के प्रति, इसलिए वह आदमी चेचक से संक्रमित हो जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि कोई मनुष्य जब एक बार संक्रमित हो जाता है, तो उसके रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो विषाणु का शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। यह शक्ति शरीर में रोग न उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो बच्चों अगर एक बार हमें चेचक का अटैक हो जाता है, तो हमें जीवन भर चेचक का अटैक नहीं होता है, क्योंकि जो संक्रमित मनुष्य होता है उनके ब्लड में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, और यह शक्ति रोग न उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, इसलिए यह प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। इसी तरीके से बच्चों हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो है अंग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अंग बच्चों ऐसे होते हैं जो रोगाणुओं के कुप्रभाव का प्रतिरोध करते हैं, या रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं,
और हमारे शरीर की समस्थितिकता बनाए रखते हैं, तो ऐसे अंग जो होते हैं जो रोगाणुओं के कुप्रभाव या रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, तो वो हमारे शरीर में एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे प्रतिरक्षण तंत्र कहते हैं। इसका नाम बच्चों प्रतिरक्षण तंत्र इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो रोगाणु होते हैं उनके प्रति रोग उत्पन्न करने की क्षमता का विरोध करते हैं, इसलिए वे एक ऐसे तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें वही अंग पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो वो अंग मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? प्रतिरक्षण तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या है और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से आप क्या समझते हो। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या होती है बच्चों? जो रोगाणु होते हैं जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो हमारे शरीर में एक एंटीजन रिलीज कर देते हैं। अब इस एंटीजन के प्रति हमारे शरीर में कुछ ऐसी सेल होती हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। जब एंटीबॉडी का वो निर्माण कर लेती हैं तो वो इस एंटीजन जो बाहरी जीव आया जो हमारे शरीर में एंटीजन बनाया उनको पहचान कर ये एंटीबॉडी उनको नष्ट करने का काम करती हैं और इस तरीके से वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो बच्चों चलिए इसको देख लेते हैं कि प्राणियों में क्या होता है। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का मतलब होता है ये कोई भी प्राणी हो उसमें एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। अभी हमने बताया जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो एंटीजन हमारे शरीर में रिलीज कर देते हैं। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसी सेल होती हैं जो उनकी पहचान करती हैं और उनके एंटीजन को नष्ट करती हैं। तो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के अंतर्गत वही सेल आती हैं। ये सेल क्या करती हैं? प्राणियों में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करती हैं। के लिए क्या होता है बच्चों? रुधिर और जो हमारी लसिका होती है उसमें पाए जाने वाले लिम्फोसाइड शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं और उनके एंटीजन के प्रति सुग्राही हो जाते हैं और बाहरी जीवों को पहचान कर उन्हें नष्ट करते हैं और जीवन भर हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये लिम्फोसाइट किसका काम करती है? ये लिम्फोसाइट फैगोसाइटिक फंक्शन करती हैं। जो भी जीवाणु आया बच्चों वो इनको खा लेती हैं और हमारे शरीर को क्या करती हैं? जीवन भर सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं जो एंटीजन हमारे शरीर में आया इसके प्रति अनुक्रिया करके रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न एंटीजन के संपर्क में आने पर ये टी लिम्फोसाइट तुरंत सक्रिय होती हैं। जैसे मान लो बच्चों कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में आया वो अपना एंटीजन इसमें रिलीज किया शरीर में हमारे, तो जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट इस एंटीजन के संपर्क में आती हैं ये तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और क्या करती हैं? ये वृद्धि करती हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा, जिससे अपनी संख्या ये बढ़ा लेती हैं टी लिम्फोसाइट। और विभाजन के बाद ये टी लिम्फोसाइट कितने तरह की कोशिकाएं बनाती हैं बच्चों? 4 तरह की कोशिकाएं बनाती हैं। पहली कोशिकाएं क्या होती हैं? मारक कोशिकाएं। अभी हमने बताया था कि इसका काम क्या होता है? फैगोसाइटिक फंक्शन करना। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। पहली होती है मारक कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं ये रोगाणु कोशिकाओं पर सीधे आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। इसलिए बच्चों इनका नाम क्या पड़ा? मारक कोशिकाएं, क्योंकि ये रोगाणु कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। नष्ट करने का मतलब उन्हें मारने का काम करती हैं, इसलिए ये मारक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? दमनकारी कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? शरीर को नष्ट
होने से बचाने के लिए मान लो संक्रमण था हमारे शरीर में, ये मारक कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट कर दी। अब संक्रमण समाप्त हो गया है तो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए, क्योंकि ये कोशिकाएं अभी भी टी लिम्फोसाइट्स वाली सक्रिय हैं, तो संक्रमण समाप्त होने के बाद शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट अपनी सक्रियता को भी समाप्त कर लेती हैं, क्योंकि अगर ये सक्रिय रहेंगी तो बच्चों ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देंगी। तीसरी कोशिकाएं क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो बी कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं, और इनके द्वारा क्या रिलीज होता है? बी कोशिकाओं के द्वारा इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होता है। ये काम क्या करता है इंटरल्यूकिन 2 बच्चों? ये काम करता है जो टी कोशिकाएं पाई जा रही हैं इनकी सक्रियता को और बढ़ा देता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। क्योंकि जब ये टी कोशिकाओं की सक्रियता को बढ़ा देगा तो ये जो है रोगाणुओं को नष्ट उतनी ही तेजी से करेंगी। इसलिए बच्चों इसका काम होता है कि ये जो बी कोशिकाएं होती हैं, ये मदद, सहायक का मतलब ही होता है कि मदद करना, ये मदद करती है टी कोशिकाओं की सक्रियता को बढ़ाने में, क्योंकि ये रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 2, जिससे क्या होता है टी कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ जाती है। इसके बाद स्मृत कोशिकाएं बनाती हैं टी लिम्फोसाइट। ये कोशिकाएं जो होती हैं रोगाणुओं के संपर्क में आई कुछ बी कोशिकाओं के संवेदनशील होने के बाद क्या हो जाती हैं? ये लसिका ऊतक में स्मृत कोशिकाओं के रूप में संग्रहित हो जाती हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं क्या है रोगाणुओं के संपर्क में आके संवेदनशील हो चुकी हैं और ये आजीवन जीवित रहती हैं। बट ये काम कब करती हैं? जब हमारे शरीर में दोबारा आक्रमण होता है किसी रोगाणु के द्वारा, तो ये स्मृत कोशिकाएं जो लसिका ऊतक में है ये पुनः सक्रिय हो जाती हैं और उस रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करती हैं। इसके बाद है बच्चों बी कोशिकाओं की एंटीजन के प्रति क्या अनुक्रिया होती है। तो बच्चों जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है, अभी हमने बताया कि एंटीजन जब प्रवेश कर जाते हैं तो बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये एक्टिवेट होके क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, और एक विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की बी कोशिकाएं होती हैं। तो एक विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए बच्चों एक विशेष प्रकार की बी कोशिकाएं होती हैं। अभी कोई भी एंटीजन हमारे टिश्यू फ्लूइड में आया तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होके तुरंत क्या बनाती हैं बच्चों, एंटीबॉडीज बनाती हैं। अब उसमें से कुछ लिम्फोसाइट भी सक्रिय होकर क्या करती हैं, एक क्लोन बना लेती हैं प्लाज्मा कोशिकाओं का। अब ये क्या करती हैं, ये क्लोन तो बना चुकी हैं, अब ये लसिका ऊतक में रह के क्या करती हैं, क्योंकि क्लोन प्लाज्मा कोशिकाओं का कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट्स, तो ये लसिका ऊतक में रहकर लगातार एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, और ये एंटीबॉडीज लसिका व रुधिर में परिवहन लगातार करती रहती हैं। और अभी हमने बताया कुछ लिम्फोसाइट्स जो होती हैं बी लिम्फोसाइट, वो रोगाणु के संपर्क में आकर क्या हो जाती हैं, लसिका ऊतक में स्मृत कोशिकाओं के रूप में बच्चों संग्रहित हो जाती हैं, और ये हमेशा जीवित रहती हैं। जब हमें दोबारा अटैक होता है किसी रोगाणु का तो ये कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में क्या अंतर होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 18 में, 19 में, 20 में, 22 में कई साल पूछा गया है। सहज को और क्या कहते हैं बच्चों? सहज को कहते हैं जन्मजात। बच्चों अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में क्या अंतर है। सहज को एक और नाम से जानते हैं जन्मजात, उपार्जित को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जन्मजात का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है बच्चों कि ये जन्म के समय से ही मौजूद है
एक्वायर्ड का मतलब होता है बच्चों की, इसको शरीर के द्वारा बाद में एक्वायर किया जाता है। जैसे आपने एक पेल्वो का एक्सपेरिमेंट सुना होगा कुत्ते वाला, कि वो पहले घंटी बजाता था तो उस टाइम आता था कुत्ता खाना खाने के लिए, बाद में उसने घंटी बजाना बंद कर दिया तो कुत्ते के मुंह में उसी टाइम जो है लार का सिक्रेशन होने लगता था। तो ये कुत्ते के द्वारा ये करेक्टर बच्चों बाद में एक्वायर्ड किया गया, ये करेक्टर उसके अंदर पहले नहीं था। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है ये हमारे शरीर के द्वारा बाद में एक्वायर्ड किया जाता है। और इननेट इम्यूनिटी, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो उसके अंदर जन्म के समय से ही मौजूद होता है। दूसरा अंतर यह है कि यह हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब हमारे शरीर में पहली बार बच्चों किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह अनुक्रिया करता है, लेकिन बहुत धीमी गति से करता है। लेकिन अगर बाद में उसकी उसी रोगजनक से सामना हो जाए तो ये बहुत उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया करता है। एग्जाम्पल के लिए इसका है कि मानव में चेचक की बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा, इसको हमने बताया था कि मनुष्य में जब चेचक का संक्रमण एक बार हो जाता है तो बच्चों दोबारा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? संक्रमित मनुष्य के रुधिर में क्या होता है? चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, और जबकि जो मनुष्य असंक्रमित होता है उसके रुधिर में यह प्रतिरोध उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है। इनेट इम्यूनिटी में एग्जाम्पल के रूप में आता है बच्चों, मानव के त्वचा में रोगाणु को प्रवेश करने से रोकने की क्षमता जो होती है यह इनेट इम्यूनिटी होती है। हमारे मुंह में जो लार बनती है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। और आँखों के आंसुओं में भी क्या होता है? रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने की क्षमता होती है। तो बच्चों ये दो तीन अंतर हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो चलिए इसका अंतर देख लेते हैं। सक्रिय को और किस नाम से जानते हैं? चेस्ट प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, या इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। और निष्क्रिय, निष्क्रिय को और किस नाम से जानते हैं? निश्चेष्ट प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। तो बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है? पैसिव का मतलब ही नाम से पता चल रहा है कि इसको कोई काम नहीं करना पड़ता है, इसको बना बनाया भोजन खुद मिल जाता है। और इसको क्या होता है? एक्टिव का मतलब ये अपने प्रतिरक्षा तंत्र का खुद ही निर्माण करती है। तो बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या है? जब व्यक्ति के शरीर की कोशिकाएं अपने रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं खुद ही रोगाणु के प्रति क्या कर रही है? प्रतिरक्षा पैदा कर रही है। और पैसिव का मतलब हमारे शरीर की रक्षा के लिए बच्चों बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे आज की डेट में वैक्सीनेशन हो गया, जो पोलियो का टीका लगता था, वोपिंग कफ का लगता था, ये सब क्या है? ये सब पैसिव इम्यूनिटी है। ये सब हमको थोड़े समय के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बच्चों जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें प्रतिरक्षा की गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है, जबकि पैसिव में हमको तुरंत आराम मिलता है, लेकिन ये आराम लंबे समय तक नहीं रहता है बच्चों।
और एक्टिव इम्यूनिटी में शरीर को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि पैसिव में शरीर को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी हमने बताया कि ये राहत तो तुरंत देती है, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए काम करती है, ये पूरे आजीवन काम करती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि जो अभी हमने बताया चेचक का इन्फेक्शन, एक बार होने के बाद हमारे शरीर में दोबारा चेचक का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए ये पूरे जीवन भर कार्य करती है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, वैक्सीनेशन या टीकाकरण आएगा, चाहे वो पोलियो का हो गया, चाहे वो रेबीज का हो गया, चाहे वो टिटनेस का हो गया, तो इसमें सारे वैक्सीनेशन आते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। तो बच्चों, इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। बच्चों, यदि आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।